प्रभु, राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। 600 वर्ष पहले परमात्मा कहा करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान हैं, इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये समर्थ प्रभु नहीं है, ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री समझो, एक विभाग के मिनिस्टर हैं। लेकिन उस समय परमात्मा की समरवाणी का मजाक उड़ाया गया और परमेश्वर जी के ज्ञान को महत्व नहीं दिया गया। छह सौ वर्ष पहले परमात्मा यही ज्ञान दिया करते थे जो दास आज उन्हीं के दिए हुए ज्ञान का डंडोरा पीट रहा है और बुद्धिमान शिक्षित समाज इसको स्वीकार कर रहा है और बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। उसमें परमेश्वर ने इसीलिए स्वयं आना पड़ा कि वो लीला करते हैं जो भगवान किया करते हैं। जो परमात्मा करते हैं, जो वेदों और गीता में लिखा हुआ है कि परमात्मा जो परमेश्वर वहां से अपने लोक से चलकर आते हैं और अपने यथार्थ ज्ञान को अपनी प्यारी आत्माओं को स्वयं ही बताते हैं। और जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके एक पूरे जीवन एक मनुष्य की तरह जीते हैं, एक लीला करते हैं, उसमें उनके बचपन की जो बाल्यावस्था की परवरिश कुंवारी गायों से होती है। कुंवारी गायें दूध देती हैं और वो परमात्मा उस दूध को पीते हैं, क्योंकि कुंवारी गाय में दूध सतलोक से आता है। परमात्मा वहाँ से अपने सतलोक से प्रतिदिन अपना दूध आहार वहाँ से लेते थे और ऐसे वो कुंवारी गाय के माध्यम से पवित्र अमृत दूध पान किया करते थे। तो ये भी आज जो परमात्मा लीला किया करता है, सतलोक से चलकर आता है और अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, दर्शन देता है और उनको यथार्थ ज्ञान कराता है, तो ये ज्ञान फिर वेदों में भी लिखा हुआ है। पवित्र हिंदू समाज वेदों को एक ऑथेंटिक और बहुत ही यथार्थ ज्ञान युक्त शास्त्र मानते हैं और वो सदग्रंथ वही बता रहे हैं जो परमेश्वर करता है, जो परमेश्वर लीला किया करता है, वो ही लीला 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने कर रखी है। और साथ में फिर वो ज्ञान बोल रखा है जो वेदों पुराणों और गीता में उपलब्ध है। आज हम उस ज्ञान को स्वयं पढ़ रहे हैं। पुण्यात्माओं, हम सभी परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित होने के कारण जो साधनाएं किया करते थे वो लोक वेद था। लोक वेद वो वस्तु होती है कि वो ज्ञान होता है जो दंत कथा पर आधारित होता है और अक्षेत्रीय ज्ञान होता है और उस ज्ञान का कहीं सद ग्रंथों में प्रमाण नहीं होता, उसको लोक वेद कहते हैं। दंत कथा पर आधारित किसी व्यक्ति विशेष के कहने से सभी ने उसको स्वीकार कर रखा है। अपनी मनमुखी साधनाएं, जैसे कोई चौराहे की पूजा है या कि तो कहीं पर और मंदिर आदि की पूजाओं में मूर्ति की पूजा है या कि तो पीर पूजा है, समाध पूजाएं हैं, कोई व्रत रखना है, तीर्थों की पूजाएं, ये लोक वेद होता है।
जो किसी सदग्रंथ में नहीं होता, और मनमाने मंत्र जो होते हैं, कोई कुछ मंत्र जाप करता है, कोई कुछ करता है, और कोई परमात्मा की परिभाषा कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई किसी को भगवान बता रहा है, कोई किसी को परमात्मा सिद्ध किए बैठा है। ये लोक वेद होता है। परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आए थे और आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल झान जनकारा, आप नचे, आप देखण हारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। अपने ऊपर ही उन्होंने उदाहरण दिए हैं कि कबीर पीछे लाग गया, जाऊं था मैं लोक वेद के साथ और रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, श्री कृष्ण जी का पुजारी था, श्री कृष्ण जी विष्णु जी को कंप्लीट गॉड मानता था, ये लोक वेद था, ये दंत कथा थी, यथार्थ ज्ञान नहीं था। हनुमान जी की पूजा यानी मंगलवार के का व्रत रखना, हनुमान चालीसा करना, तो ये सब लोक वेद था, ये यथार्थ ज्ञान नहीं था। और जब ये सतगुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमें ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक मिल गया। तो परमात्मा बताते हैं कि जो भोली आत्मा परमेश्वर के प्राप्ति के लिए लोक वेद के आधार से अज्ञान रूप अंधकार में भटक रहे होते हैं, उनको सतगुरु मिल जाते हैं तो उनको दीपक दे देते हैं। उसमें दीपक ही होता था, आजकल द टॉर्च होगी। अब अंधेरे में जी कोई व्यक्ति जा रहा है और उसको टॉर्च मिल जाए तो बहुत सहारा मिल जाता है, वो गड्ढों से कांटों से बच जाता है और रास्ते को भटकता नहीं। एक बार रास्ता बता दिया किसी ने, हाथ में टॉर्च है, उस रास्ते से फिर वो सीधा चल पड़ता है। तो परमात्मा ने हमें ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, टॉर्च दे दी, और यथार्थ मंत्र बता दिए। एक समय एक धर्मदास नाम के श्रद्धालु भक्त मध्य प्रदेश बांधोगढ़ के रहने वाले थे। वो इतने सेठ, इतने धनी थे उनके माता पिता, उसके पूर्वज दादा पिताजी, के वहां बांधोगढ़ जिस नरेश के अंतर्गत आता था, उस राजा को यदि कोई आपदा आ जाती थी, प्राकृतिक आपदाएं जैसे अकाल गिर जाना या फ्लड ज्यादा आ जाना, तो उसमें वित्तीय सहायता उस धर्मदास वैश्य के पूर्वज राजा की वित्तीय सहायता किया करते थे, वो उनसे वित्तीय सहायता लेता था। इतने धनी थे वो, और इतना धन होते हुए, इतना पैसा होते हुए पे परमात्मा की चाह, ये एक विशेष बात होती है, वो पुण्य आत्मा होते हैं। तो उसके मन में जो परमात्मा की तड़फ थी धर्मदास जी के मन में, उस कारण से उसने अपने हिंदू धर्म के जन्म होने के कारण एक रूपदास नाम के गुरु जी भी धारण कर रखे थे। रूपदास जी ने उनको बता रखा था कि श्री विष्णु जी सर्व सर्वेश्वर हैं, यही श्री कृष्ण और श्री राम रूप में अवतरित होकर के लीला करके गए थे, इनसे ऊपर कोई परमात्मा नहीं है, ये अजर और अमर हैं। शंकर जी की पूजा भी साथ में बता रखी थी। एक ब्रह्मा जी को छोड़कर बाकी सभी देवी देवताओं की पूजाएं हिंदू धर्म के मार्गदर्शक संत बताए ही करते हैं। जैसे ये दास श्री विष्णु जी का पुजारी था, लेकिन शंकर जी की महिमा भी, शंकर जी का आदर भी, शंकर जी की साधना भी बराबर किया करते थे। फिर गणेश जी का ध्यान आ गया तो जय गणेश देवा वो भी शुरू कर देते थे। संतोषी माता की कोई फिल्म बनी थी, वह भी खूब देखी कई कई बार, क्यों श्रद्धा थी भगवान में, लेकिन उसमें बात कुछ भी ना थी। आज उनको देखते हैं, उन विचार करते हैं, क्योंकि हम अज्ञानी इतने थे, हमें ज्ञान बिल्कुल ही नहीं था, हमारे को ये सब ही अच्छे लगते थे।
तो इस प्रकार हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण वो धर्मदास जी भी रूपदास जी के बताए अनुसार वही क्रियाएं कर रहे थे जो हिंदू धर्म के श्रद्धालु करते हैं। तीर्थों पर जाना, तीर्थों में स्नान करने, तीर्थ यात्रा जाना, एकादशी का व्रत रखना, श्री कृष्ण राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये इस तरह के मंत्र और विष्णु स्तोत्र, ये सभी साधनाएं श्री धर्मदास जी किया करते थे। पुण्यात्मा परमात्मा की लीला में लिखा है, परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि गोता मारू स्वर्ग में और जा पैठू पाताल, कह कबीर में ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82-82 मंत्र 1-2-3 में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16-20 तक, और भी बहुत से स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में यह स्पष्ट किया हुआ है कि वो कबीर नामक परमात्मा यथार्थ ज्ञान देने के उद्देश्य से अपने निज स्थान सतलोक से जहां वो रहता है उस तीसरे मुक्ति धाम से गति करके चलकर यहां आता है, श्रेष्ठ आत्माओं को अच्छी आत्माओं को मिलता है और उन पुण्यात्माओं को फिर अपने समर्थता से अपने ज्ञान से अपनी महिमा से परिचित कराता है। इसके लिए पहले देखिएगा वो प्रमाण जो भगवान किया करते हैं हमारे सदग्रंथ में बताते हैं, और फिर देखिएगा फिर सुनिएगा ये कथा, आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी। परमात्मा ये है वो सत्यनारायण कथा। पहले हमें श्री विष्णु जी की कथा सुनाकर सत्यनारायण कथा बताया करते थे। सत्यनारायण का अर्थ होता विनाशी भगवान, सच्चा भगवान, सच्चा साहेब, सत साहेब, सत साहेब अविनाशी परमात्मा। तो विष्णु जी अविनाशी नहीं थे, ये हमें गलत ज्ञान गलत साधना बताते थे कि ये सत्यनारायण कथा सुना रहे हैं आपको, विष्णु जी को सत्यनारायण बताया करते थे। पहले थोड़ा सा इन सत्यनारायण के विषय में जान लीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नाशवान हैं, सत्यनारायण नहीं हैं। सत्य माने अविनाशी सदा रहने वाले, नारायण माने भगवान। और हम सत्साहेब कहते हैं, सत्साहेब को चाहे सत्यनारायण कहो, सत्य माने सच्चा, साहेब माने भगवान। अब सत्साहेब गरीबदास जी कहते हैं हमने सत्साहेब जाना है, क्योंकि परमात्मा से परिचित हुए महापुरुष, उन्होंने बताया कि हमने समझा है सत्यनारायण कौन है, तुम जिसको सत्यनारायण मानते हो वो सत्यनारायण नहीं है। तो पुण्यात्माओं ये सत्यनारायण की कथा आपको सुनाई जा रही है, जो कभी युगों के बाद कई असंख्य युगों के बाद आपको सुनने को मिल रही है। आपके इतने पुण्य हैं कि पूरा संसार अरबों खरबों प्राणी है अपने इस पृथ्वी पर मनुष्य हैं, और वो भटक रहे हैं बेचारे वो पुण्यात्मा, क्योंकि पुण्यात्मा को मनुष्य जीवन मिलता है, और जिसको सत्संग नहीं मिलता वह बेसक पुण्यात्मा, लेकिन उसका जीवन व्यर्थ हो रहा है। सत्संग ये सच्चा सत्संग, वो नकली संतों का सत्संग नहीं है। पुण्यात्माओं एक यही बात खटक रही है इस भोले समाज को कि ये दास ये कहता है कि आज वर्तमान में किसी के पास सत्संग नहीं है, और परमात्मा से परिचित होने के बाद गरीबदास जी ने यही कहा था कि तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, वो भी निर्णय आपको दिया जाएगा अभी इसी सत्संग के अंदर बताएंगे कि सत्संगी क्यों नहीं, क्योंकि ना विष्णु को ज्ञान, ना ब्रह्मा को ज्ञान, ना शिव को ज्ञान, और को ज्ञान होगा कहाँ से।
तो ये भी बात आपके खटके की कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं, कमाल की बात कर दी। कमाल की बात ही सारी है परमात्मा ने जो की है, और ये अपने ही सदग्रंथ बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं था, अध्यात्म ज्ञान नहीं था, भले ही वह पिछले पुण्यकर्मों के प्राणी थे। और ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी वही प्राणी पाते हैं जो अब इस सत्सत साधना को कर रहे हैं और 5-10 वर्ष साधना करके फिर यहाँ से विमुख हो जाते हैं, फिर वो काल के हाथ चढ़ जाते हैं। उनको कई हजार लाखों वर्षों तक तो नहीं पता, युगों तक तो यूँ पता नहीं लगता तू है कि तागर कैसे के कर रहा है, कौन है तू, कितना आएगा। जैसे अभी हमें नहीं पता था जब तक भगवान ने दया नहीं बख्शी थी कबीर देव ने, तो उन्हीं में से ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए जाते हैं। वो अपने पिछले पुण्यों को खाते हैं और जब उनके पुण्य समाप्त होते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, नया कोई पुण्यात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पर वो काल रख देता है। ये देखिएगा पहले देवी भागवत, पहले ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश सत्यनारायण नहीं है, अविनाशी नहीं है, और इनको ज्ञान नहीं था, अध्यात्म ज्ञान नहीं था। ये है श्रीमद् देवी भागवत यानी शक्ति पुराण, दुर्गा पुराण, देवी पुराण जिसे कहते हैं, ये देवी पुराण है। ये कहाँ से प्रकाशित है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है, ये इनकी वेबसाइट है। अब सबसे पहले आपको 123 प्रश्न दिखाते हैं जिसमें ये ब्रह्मा ये विष्णु जी सत्यनारायण नहीं है, अविनाशी नहीं है। ये तीसरा स्कंध 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना, जब गीता जी में आपको बताया जाएगा कि ये प्रकृति माने को दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। और यहाँ शंकर भगवान क्या बोले, शंकर भगवान बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, जन्मे हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं, नियमानुसार केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही हम दे सकते हैं और नहीं। और विष्णु ब्रह्मा शंकर ये भगवान नहीं हैं। अपुण्यात्माओं अब इसमें चार कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। और चौथा ये हो गया कि ये केवल सीमित नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये किसी के कर्म में कम और भाग्य को बढ़ा घटा नहीं सकते। अपुण्यात्मा
ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, ये अविनाशी भगवान नहीं है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट ये भी क्लियर करना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को अध्यात्म ज्ञान नहीं था। तो पुण्यात्माओं, आप जी को वो यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं प्राप्त हुआ। और इन कलियुग के ऋषि महर्षियों और इन नकली संतों पंथों को, ये नकली पंथ सतलोक की महिमा गांव रखेगा पता नहीं, इनको तो ज्ञान स्वप्न में भी नहीं हो सकता। ऐसे महान आत्माओं, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी आत्माओं को भी इस काल ने भ्रमित कर रखा है, तो आप और हमारी क्या बुनियाद थी? ये तो सतगुरु आए दयागिरी, ऐसे दीन दयाल, ये तो परमेश्वर आए स्वयं, उन्होंने रजा बख्शी हमारे ऊपर। तो ये देखिएगा, अब देखिएगा यही देवी भागवत इसके प्रश्न नंबर 28-29 में क्या स्टेटमेंट है ब्रह्मा और विष्णु की। पहला स्कंद देवी भागवत प्रश्न नंबर 28। अब नारद जी और व्यास जी इज द राइटर ऑफ वेदास एंड पुराण एंड गीता जी। और ये नारद जी तो पूछे है, इसको भी ज्ञान नहीं, लेकिन काल प्रेरणा से काल भगवान ने इसमें प्रवेश करके ये लिख दी न्योकिन, जो वार्ता जिसकी जैसी हुई थी। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रसन्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। देवा अधिदेव यानी भगवानों के भी भगवान, देवताओं के भी देवता, जगत के स्वामी हैं। कौन? लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। देव कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, चार भुजाएं हैं, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं। अब नारद जी बता रहा है व्यास जी ने कि ये न्यू इसको विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहा है, जगत गुरु बता रहा है। वे जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब ब्रह्मा जी के बोल सुन जो वचन, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो तुम देवताओं के भी अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु ने कि आप तो सारे देवताओं के मालिक हो और जगत के स्वामी हो, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के ये विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी वो ही मालिक है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझ में सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसिक शक्ति का आविर्भाव हुआ है।
अब क्या बताते हैं कि मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूं। सुनो, यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। ये 29 पृष्ठ पढ़ रहे हैं हम। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब ये आध्यात्मिक नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान है विष्णु जी का कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, इससे ऊपर कोई भगवान है को नहीं। अब पुण्यात्मा, ये ज्ञान है श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री नारद जी और श्री व्यास जी का। वो तो कह रहे हैं कि विष्णु जी सर्वेश्वर महेश्वर, सर्व सारा जगत के स्वामी, देवताओं के भी देवता। और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा का तप, दुर्गा का ध्यान करता हूँ, उसी का ध्यान लगाता हूँ और मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में दुर्गा से ऊपर कोई भगवान को नहीं और कोई देवता पूज्य नहीं है, मैं इसी की पूजा करता हूँ। अब दुर्गा कहती है हिमालय को ज्ञान देते समय, दुर्गा हिमालय राजा को ज्ञान देते समय कहती है कि राजन, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है, और सब बातें त्याग दो और उस परमात्मा, उस ब्रह्म को पा जाओगे, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब दुर्गा कहती है सब बातें छोड़ दो, मेरी पूजा भी त्याग दो और ना करना कुछ भी। अब देखना सातवां सकंद, ये सातवां सकंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, यानी ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रही है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूप देवी का ध्यान करें। पहले तो अपना बता रही है, फिर कहती है कि जो, अब कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है। यहाँ तो ये कहती है कि जब मेरी भक्ति करनी है तो उस तरह कर, लेकिन उसे मोक्ष मार्क्स कुछ नहीं होना, ऊपर जो बताई है इसने। फिर कहती है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद परम्परा अर्थात परम प्राप्य है। अब यहां देखो, जो अमृत अविनाशी तत्व सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण, ये प्रणव, प्रणव माने प्रणव का अर्थ है ओम, ये प्रणव धनुष है, यानी ओम मंत्र तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातें छोड़ दे। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यानी अपनी पूजा को भी कहती है मेरी पूजा भी छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ये सुलभ साधन है। जिस प्रकार, आगे देखो,
इस आत्मा का, यहाँ लिखना था इस परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ओह ओम, और इस अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम नाम जाप करे ब्रह्म, उद्देश्य हो, इष्ट हो, तुम्हारा कल्याण हो। ठीक है, और फिर वो कहाँ रहता है? ये 563 पृष्ठ पे, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वो ब्रह्म लोक में रहता है, उसका ओम नाम है, और ब्रह्म ईष्ट होना चाहिए उपासक का। तो ब्रह्म लोक में रहता हो भगवान, उस ब्रह्म लोक में चले जाओगे। अपुण्य आत्माओं, परमात्मा की भक्ति करना बहुत आसान है। यदि आपका ये विश्वास हो जावे कि ये साधना सही है जो हम कर रहे हैं, इतनी आसान है कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई साधन आसान नहीं है जो परमात्मा पाने की विधि आसान है। एक रोटी खाना बनाने के लिए भी हमने कितना जुगाड़ जोड़ना पड़ता है, और डेली दो दो बार करते हैं, तीन तीन बार भी करते हैं। गैस सिलेंडर लावा कि तो ईंधन इकट्ठा करें, चूल्हा चौका है, पलटा चमटा प्लेट तवा आटा, फिर गूंदे, फिर सब्जी कटोरी है, पालक पता नहीं क्यों क्यों धनिया जीरा, कितने जुगाड़ जोड़ के, और डेली रोटी दो दो टाइम बनाते हैं, कितना समय लगता है। और परमात्मा के भजन में जीभ भी ना ठानी, जीभ भी नहीं उठानी, कोई हरकत में भी नहीं आना, लेटा है तो लेटा लेटा सुमन शुरू कर दे, बैठा है तो बैठा बैठा, इतना बढ़िया सुमन दे रखा भगवान ने। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यानी हम अपने दैनिक क्रिया करते करते परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। परमात्मा का जो सतनाम का सिमरण है या वैसे मंत्र जाप है, आपको मौखिक याद हो जाता है, इसमें कुरलाकरण की जरूरत कोई ना, जब भी याद आ गया जब भी मंड जा, कुछ भी इकट्ठा नहीं करना, ना आटा गूंदना, ना सब्जी काटनी, ना आग जलानी, ना कोई ईंधन इकट्ठा करना। और उसको हम डेली करते हैं, चाहे घंटा लगे चाहे दो घंटे, दो दो घंटे सुबह शाम खाना खुना बनाने में, खाने में सारा काम करते हैं। तो इसमें इतना आसान है, तो आपके ये हृदय में समा जाना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल फाइनल है। आपको इतना दृढ़ विश्वास हो, कराने के लिए ये दास ये चाहता है कि सदग्रंथों का आपको बार बार रूबरू करूँ, आपकी उंगलियां पर ये बातें आ जाएं, फिर आप भक्ति करोगे डट के। अब आप जी के समक्ष हो गया कि देवी कहती है ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्मा और नारद और व्यास जी कहते हैं कि विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, ये जगत के प्रभु हैं, और विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा से ऊपर में कोई भगवान ना जानता, इस तो ऊपर कोई भगवान परमात्मा है कोई नहीं, मत इससे ही पूजा करता हूँ, यह इससे ऊपर कोई देवता है कोई नहीं। और दुर्गा कहती है कि सब पूजा त्याग दो, एक ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम है उसका, ब्रह्म लोक में रहता है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक आपको दिखाते हैं, और ये 8वें अध्याय का 13वां दिखाते हैं पहले। ये गीता जी का ज्ञान ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके दिया, और वो कहता 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन्देहम स याति परमाम गतिम। ये कहता है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेतवत बोल रहा है, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, ओम इति माने यह है एक अक्षर, केवल ओम यह एक अक्षर है, व्यवहारण अनुसमरण
उच्चारण करता हुआ सिमरन करने का। और ये प्रयाति तजन देहम, जो शरीर त्यागते समय तक इसका सिमरन करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो ओम नाम के जाप से जो गति प्राप्त होती है वो क्या है, वो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। यहाँ देखिए आठवें अध्याय के सोलहवें श्लोक में, आठवें अध्याय का ये सोलहवां श्लोक है, इसमें कहा कि अर्जुन, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक से लेकर और नीचे के सभी लोक पुनरावृत्ति में है। यह देखिएगा, अर्थात पुनरावृत्ति का इन्होंने टिप्पणी की है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, ये पुनरावृत्ति कहलाती है। ये सितार ला रखे ने सितार का यह अनुवाद स्पष्टीकरण दिया है पुनरावृत्ति का, कि इस ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और यहाँ इन्होंने अनुवाद किया, गलत किया है कि परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत है। इसका अर्थ यह है कि जो ये नहीं जान पाते, जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है, वो लोग ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति में, इसका ये अर्थ बनता। अगर यहाँ ये इन वाले अर्थ को हम फाइनल माने कि पुनर्जन्म नहीं होता मुझे प्राप्त होकर, तो फिर चौथे अध्याय का ये पांचवा श्लोक निरर्थक हो जाता है। पांचवा, नौवां और दूसरे अध्याय का बारहवां, ये सब निरर्थक हो जाता है। ये देखिए अध्याय नंबर चार का और श्लोक नंबर पांच है, ये इसकी संस्कृत यहां पर है और ये यहां पर है। हे प्रंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अब चौथे अध्याय का नौवां श्लोक, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इससे सिद्ध है कि मेरे जन्म तो होते हैं लेकिन वो अलौकिक हैं, दिव्य हैं, अलौकिक हैं। अच्छा, दूसरे अध्याय के बारहवें श्लोक में फिर कहा है, अध्याय नंबर दो और श्लोक नंबर ये बारह है, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। इसका स्पष्ट हो गया है कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म काल कह रहा है कि तेरे और मेरे पहले भी जन्म थे और आगे भी होंगे। अब इसमें दूसरे अध्याय के सत्रहवें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है। अब ये ब्रह्म कहता है कि नाश रहित तो उसको जान, सत्रहवें में नाश रहित यानी अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग, यानी जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, वो यानी गीता ज्ञानदाता ब्रह्म से कोई और है, अविनाशी परमात्मा। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के और श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति यानी और सनातन परम धाम को, सतलोक को, सनातन माने सदा रहने वाला, शाश्वतम स्थानम, शाश्वतम माने सदा रहने वाला जिसका अंत ना हो, उस लोक को प्राप्त होगा, सतलोक को प्राप्त होगा। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से कोई और अविनाशी परमात्मा है। अपने आत्मा में ये अध्यात्म ज्ञान स्पष्ट हो रहा है, इसलिए इसको बार बार आपको बताना पड़ेगा ताकि आपके हृदय में यू ज्ञान समा जा, अज्ञान हट जा।
अर्जुन ने गीता ज्ञान दाता ब्रह्म से 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में प्रसन्न किया कि हे प्रभु, आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानने के उपरांत और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित होने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है और फिर वो इस संसार की किस वस्तु में आसक्ता नहीं रखता, ना डिमांड करता। तो 8वें अध्याय के 1 में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म किम अधिभूत, तो वो क्या है, वो तत्ब्रह्म क्या है। ये देखिएगा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में 8वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता। अर्जुन ने प्रश्न किया किम तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, हे पुरुषोत्तम तत्ब्रह्म क्या है, वह ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म कहो, वह ब्रह्म कहो, वह परमात्मा कहो, वो किम तत्ब्रह्म। यहाँ देखिएगा ये 7वें अध्याय का 29वां मंत्र है, यानी 30 मंत्र है कुल इसमें और ये 29वां मंत्र है। इसमें है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतंती ये। गीता ज्ञान दाता कहता है कि मैंने जो बताया है कि तत्वदर्शी संत को खोजने के उपरांत फिर उससे जो ज्ञान प्राप्त हो उस आधार पर साधना करो। कहते हैं जो मेरी इस बात को आश्रय कर लेता है वो तो जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण से छूटने का, मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वो कौन करते हैं, माम आश्रित है, जो मेरे बात पर आधारित हो जाते हैं, यतंती ते, जो प्रयत्न करते हैं, वे ब्रह्म तत्व विदु, विदु माने जानते हैं, तत्ब्रह्म या ब्रह्म तत् कहो चाहे तत्ब्रह्म को, उस ब्रह्म को जानते हैं, कृष्णम यानी सारे अध्यात्म को जानते हैं और कर्म को जानते, कर्म से अखिलम और सारे कर्म से परिचित हैं। वही उस तत्ब्रह्म से परिचित होने के बाद जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ इनका अनुवाद देखिए इन्हीं के द्वारा, जो मेरे शरण होकर आश्रित है करें, जो मेरे शरण होकर जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण से, जरा माने वृद्धावस्था बुढ़ापा और मरण मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे व्यक्ति तत् माने उस और ब्रह्म माने ब्रह्म को, ये तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म, तत् ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। ये 30वां श्लोक यहाँ समाप्त, बस अंत हो जाता है। ये यहाँ पर 7वां अध्याय ये समाप्त हो गया। अब यहाँ 8वें के शुरुआत में 8वां अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन उवाच, अर्जुन ने पूछा हे पुरुषोत्तम, ये कहा कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूत से किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। अब उसने पूछा वो तत्ब्रह्म क्या है, वह तत्ब्रह्म क्या है, वह ब्रह्म क्या है, इसका उत्तर दिया 3रे श्लोक में। गीता ज्ञान दाता ने ये 8वें अध्याय के ही 3रे श्लोक में इसका उत्तर दिया, वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, अब ये और क्लियर हो जाएगा। 8वें अध्याय के इस 5वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता अपने विषय में कहता है कि जो व्यक्ति अंत काल में भी मुझको ही श्रवण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मदभावम याति, वह मेरे भाव में को प्राप्त होता है, मेरे भाव में भावित रहता है। इसका अर्थ तो ये है, इन्होंने कहा मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, ये स्वरूप नहीं बनता, इसका अर्थ
वह मेरे भाव में भावित रहता हूँ, भावित भावित होता हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। यानी जो जिसमें भावित रहेगा उसी को प्राप्त होगा। अब छठे में एक बताया कि ये नियम है कि हे कुंती पुत्र, अंतकाल में जिस जिस भी भाव को श्रमण करता हुआ शरीर का परित्याग करता है, त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। यहाँ देखो, वह तत्भाव भाव भावती, वह तत्भाव भावती, वह उसी भाव में भावित रहता है। यानी जिस इष्ट में आस्था होगी उसी में उसकी भावना बनी रहेगी। सातवें में फिर अपने बारे में बताता है कि इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझे अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब आठवें नौवें दसवें में किसी और उस तत्व ब्रह्म के बारे में, परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है। हे पार्थ, आठवें का आठवां अध्याय नंबर आठ का और ये मंत्र नंबर आठ है। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के, यानी वो उस तत्परम के बारे में कहा, ये अभ्यास रूप योग से युक्त, अभ्यास योग युक्तेन, परमेश्वर के ध्यान नहीं, जो मंत्र जो विधि बताई जाती है उस अभ्यास योग से युक्त, जो संत बताते हैं उसका अभ्यास करता हुआ दूसरी ओर न जाने वाले चत से, यानी कोई और देवता की, किसी और देव की पूजा नहीं करता, निरंतर चिंतन करता हुआ उस एक ही परमात्मा का चिंतन करता हुआ व्यक्ति परम दिव्यम पुरुषम, उस परम दिव्य यानी उस अद्भुत परमात्मा परमेश्वर को प्राप्त होता है। हैं, और नवम फेर उसी के बारे में, कवियम पुराणम अनुशासिताराम अणो अणिशासम अनुसमर समरेत यह सर्वस्य धाताराम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमस्य प्रस्तात। जो व्यक्ति, इन्होंने जो व्यक्ति बताया, चलो हम यहाँ इसको छेड़ते नहीं तो ये लंबी कहानी बन जाएगी। इन्होंने कवियम कार सर्वज्ञ कर दिया, कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता। यहाँ उस कबीर देव के बारे में है जो सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, पूर्ण परमात्मा, सबका उत्पत्ति करता है। हम इसको लेकर चलते हैं, जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत रूप सूर्य के सदृश नित चेतन प्रकाश रूप सूर्य के सदृश साकार जैसे सूर्य चमकता है, अविद्या से अति परे सचिदानंद भन परमेश्वर का स्मरण करता है। यानी तीन मंत्रों में कंप्लीट हो रही है उस भगवान के बारे में। दसवां देखना, आठवें जाएगा दसवां, अभी नौ पढ़ा अपने, ये दसवां श्लोक है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बलेन यानी भक्ति की शक्ति के कारण, भक्ति के बल से बरकुटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चित मन से, निश्चल मन से श्रमण करता हुआ, यानी उस ये तम मन उस जो अज्ञान अंधकार में यानी सबसे दूर परमात्मा है जिसके विषय में कोई नहीं जानता, उस दिव्य रूपम दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। पुण्यात्मा, अब गीता ज्ञान दाता कहता है, ब्रह्म कहता है कि मेरी साधना करना है तो तेरे भी जन्म मृत्यु मेरे भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी, परम शांति नहीं हो सकती। और मेरी साधना करेगा मुझे प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होकर कहाँ जाएगा, ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक पर्यंत सभी जन्म मृत्यु में सब 84 लाख योनियों में कष्ट उठाते ही रहेंगे सदा। और उस परमात्मा की साधना करने वाले सदा के लिए मुक्त प्राप्ति कर जाते हैं, वहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर
25 से लेकर 34 में तक क्या बताया है कि कोई तो साधना देवताओं अन्य देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल व्रत रखता है, कोई योग अभ्यास ही करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत रखता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, जैसे किसी सदग्रंथ के किसी एक अंग का अध्याय का पाठ कुछ अंश डेली पाठ कर देता है, और ये सभी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानकर करते हैं। लेकिन इस प्रकार की विस्तार के साथ बहुत सी योगी क्रियाएं यानी भक्ति की साधनाएं उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। उनको जानने के उपरांत फिर तू सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा और उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, यानी गीता ज्ञान से अन्य कोई ज्ञान है जिससे गीता ज्ञान दाता ब्रह्म भी परिचित नहीं है, उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में, 16 और 17 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है, और ये भी बताया है कि जिस परमेश्वर के विषय में वो तत्वदर्शी संत बताता है साधनाएं, उसको प्राप्त होकर के उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद प्राणी फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते। और वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को विस्तार से उसके सब अंगों को भिन्न भिन्न बता देगा, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की व्याख्या की थी। कबीर, अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है भाई पात रूप संसार। अक्सर पुरुष एक पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है, वो तना उससे ऊपर ऊपर सारा पेड़ कहलाता है, और ये तना तो अक्सर पुरुष है, एक निरंजन वा की डार ये ब्रह्म उसकी एक मोटी डार है, और उसके तीन एक डार के तीन शाखा है वो ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों गुण तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। ये देखिएगा, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले गीता जी वाले ज्ञान को स्पष्ट किया था, ये है संसार रूपी वृक्ष जिसके ऊपर को जड़ वो तो पूर्ण परमात्मा है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हैं, और ये है जमीन से बाहर जो हिस्सा दिखाई देता है वो पेड़ कहलाता है। तो परमात्मा ने कहा था अक्सर पुरुष एक पेड़ है और इस पेड़ की निरंजन ये ब्रह्म क्षर पुरुष ये इसकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने एक ही श्लोक में सांकेतिक शब्दों में गीता जी के 15वें अध्याय का बिल्कुल सारांश कर दिया। गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 1-4 तथा 16-17 का आशय, ये जो सारा कुछ है, ये तना ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म भी कहते हैं, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, और ये मोटी डार जो है ये ब्रह्म सरपुरुष कहो, सरपुरुष कहो, ब्रह्म कहो, सरब्रह्म कहो, ये एक डार है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये डार हैं, शाखा हैं, ये तीनों देवा शाखा हैं और ये पात रूप संसार। हम यहाँ नीचे हैं, हम इनसे भी आगे हैं, और ये जड़ कौन है, ये जो सबका धारण पोषण करता है वो परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में वर्णन किया है वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो कौन है, ये कबीर देव है,
ये कबीर परमात्मा है, ये उस असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान है और ये जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष के मूल है और मूल से ही सब खुराक आहार सबको शक्ति प्राप्त होती है। तो इस पूर्ण परमात्मा ही तीन ये पूर्ण परमात्मा ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अपुण्यात्मा गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16-17 श्लोक में तीन परमात्माओं का वर्णन है, एक सर्वपुरुष, एक अक्षर पुरुष। इन सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों नाशवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये भी सब नाशवान हैं, लेकिन जीव आत्मा किसी की मरती नहीं। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत ही कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, यानी परमात्मा जो वास्तविक परमेश्वर है वो इन दोनों से, इस 16 में वर्णित सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, वो उत्तम पुरुष है, वो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है और उसी को परमात्मा कहा जाता है। और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता वो वास्तव में अविनाशी भगवान है। पुण्यात्मा परमात्मा जब भी आते हैं अपने इस यथार्थ ज्ञान को समझाते हैं। अब वो परमात्मा स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान बताने की चेष्टा करते हैं। अब सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं, वेदों में प्रमाण देते हैं कि वो परमात्मा क्या लीला करता है। वो परमेश्वर अपने लोक से चलकर आते हैं, खुद परमात्मा कहते हैं कि सतलोक से हम चल आए काटन काल की फांसी, हम ही सत अपने यथार्थ स्थान से चलकर आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान कराते हैं और यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए स्वयं ही अपने लोक से गति करके आता है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये 9-10 मंडल है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इकट्ठा ही अनुवादित है। ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2 से इनके फोन और फैक्स नंबर है, ईमेल ये है। ये इन्होंने गलत लिखा यहाँ पर, मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली, फोन नंबर इतने। वो आपको दिखाते हैं इसी ऋग्वेद का मंडल नंबर 9, सूक्त 86, मंत्र 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, यानी भक्ति करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके सब संकट नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है, नाश कर देता है। उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, ओह अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा, यहाँ इन्होंने कवि का अर्थ, कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, वह कबीर देव, यहाँ लिखना चाहिए कबीर देव, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है। गति करके माने वह
विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ यानी बिजली जैसी गति से चलकर आता है और श्रेष्ठ पुरुषों को प्राप्त होता है, उनको मिलता, अच्छी आत्माओं को मिलता है। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।